लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर कोई फिक्स एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आई, इसका डेरिवेशन। तो ये एक्सिस एक है, इसके अबाउट ये एम वन मास रहा जो कि वी वन स्पीड से इसका ऐसे वी स्पीड है वी वन, दूसरा मास है एम टू और इसका स्पीड है वी टू, ऐसे ऐसे सारे मास मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है और ओमेगा रोटेशन में सारे पार्टिकल का सेम होता है ओमेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पार्टिकल का v डिफरेंट होता है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा में r जिसका कम होगा जो एक्सिस के पास होगा उसका v भी कम होगा और एक्सिस से दूर वाले का भी ज़्यादा होगा, लेकिन सबका ओमेगा सेम होता है। तो ठीक है, वी वन इक्वल टू आर वन ओमेगा, वी टू इक्वल टू आर टू ओमेगा, वी थ्री इक्वल टू आर थ्री ओमेगा। काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखे तो इंडिविजुअल का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो सबका हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर ऐसे ऐसे सम कर दिया मैंने। फिर वी वन को आर वन ओमेगा, वी टू को आर टू ओमेगा ऐसे लिख दिया मैंने और सब में हाफ कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में हाफ भी कॉमन लिया और ओमेगा स्क्वायर भी देखिए कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर ऐसे ऐसे करके सम आ गया। अब ये है क्या चीज़, तो ये पिछले ही वीडियो में हम लोग प्रूव किए हैं कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, तो इतने को हम आई लिख सकते हैं। तो हाफ और ये बीच वाला एम वन आर वन स्क्वायर ये सब मिलकर आई हो गया और ये ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन प्योर रोटेशनल मोशन इज गिवन बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्रूव हो गया इसका। नेक्स्ट आइटम है इस वीडियो के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या चीज़ है ये देखते हैं पहले। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब इस पूरे मास को आप मानिए कि उसको मेल्ट करके पूरे सॉलिड बॉडी को और एक पॉइंट पर रख देना है आपको, एक पॉइंट पे उसको पॉइंट मास बना देना है पिघला कर पूरा। तो उस पॉइंट मास को कहाँ पे रखें पूरे मास को, अब वो पॉइंट मास आ गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m और मान लेते हैं कि k दूरी पे हम उसको रखें तो एम के स्क्वायर हो गया। तो ये एम के स्क्वायर जो हुआ ना वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास था अपने पूरा फैला हुआ था वो प्लेट जैसा, उस वक्त के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एम के स्क्वायर। यानी कि एक्चुअल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर बाई टू, डिस्क था इसलिए, लेकिन अगर पूरे डिस्क के मास को पिघला दिया जाए तो उसको कहाँ पे रखा जाए, ये येलो वाले एक्सिस से कहाँ पे रखा जाए कि उसका पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लिखें एम के स्क्वायर तो वो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। तो उसी के को एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसी दूरी पे जहाँ पे हम उसको पिघला के रखें उस दूरी को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। ठीक, तो एम आर स्क्वायर बाई टू इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और इसको पूरे को मेल्ट करके एक जगह रख दिए तो वो पॉइंट मास बन गया और उसकी दूरी मान लीजिए कि k रखा मैंने तो एम के स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर से देते हैं। तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो k आएगा वही रेडियस ऑफ जायरेशन होगा। तो m से m कट गया और k की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इधर जाकर रूट लग जाएगा तो r रह जाएगा और नीचे 2 के साथ रूट बच जाएगा, तो r बाई रूट 2 रेडियस ऑफ जायरेशन आया इसका। डेफिनेशन भी देख लीजिए, यहाँ रेडियस ऑफ जायरेशन का है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट विच इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वर कंसनट्रेटेड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस वुड बी द सेम एज विद द एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। पूरा एक साथ यहाँ पे स्क्रीन पे है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक और रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं हम लोग इस स्फीयर का। तो यहाँ पे दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर, ठीक है सॉलिड स्फीयर, इसका रियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 हमारे स्क्वायर। अब इसको पूरा पिघला के एक जगह मास को रख देना है तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एम के स्क्वायर से। तो एम से एम कट गया और के इक्वल टू रूट 2/5 आर आ गया रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। फिर हम लोग एनुलर डिस्क का हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेरिवेशन। एनुलर डिस्क मतलब ये R1 से R1 रेडियस लेके मतलब यहाँ से लेकर और R2 रेडियस तक यहाँ तक ये ऐसे से फैला हुआ है ऐसे से ऐसे। अब यहाँ बीच में यहाँ क्या है, खाली है, खोखला है यहाँ पे, ठीक है, इसको एनुलर डिस्क बोले।
अब इसके लिए सबसे पहले वही मेथड x दूरी पे जाके और dx dx लेंथ का एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे x डिस्टेंस पे जाके। तो मास पर यूनिट एरिया पहले निकाल लेते हैं। तो मास अपॉन ये एरिया क्या होगा, तो पाई आर टू स्क्वायर आउटर वाला एरिया माइनस आर वाला स्क्वायर, क्योंकि मटेरियल तो यहीं पे सिर्फ भरा हुआ है ना, यहाँ तो खाली है, तो पूरा पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस पाई इनर रेडियस का स्क्वायर। तो ये मास पर यूनिट एरिया इसका आ गया, ऐसे जो चूड़ी जैसा ऐसे दिख रहा है ऐसे ये वाले पार्ट का। अब मैंने जो स्ट्रिप लिया है उसका एरिया क्या होगा, ये छोटा सा जो रिंग लिया हुआ है थिकनेस डी एक्स का, उसको यहाँ से कट करके सीधा करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे, और उसका लेंथ टू पाई एक्स होगा इतना, और उसका ये जो चौड़ाई है वो डी एक्स है, तो टू पाई एक्स डी एक्स एरिया हो गया इसका। तो मास पर यूनिट एरिया में टू पाई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिए तो ये छोटे से पार्ट का एरिया मिल गया डी एम। फिर इसको इंटीग्रेट करना है, छोटा सा मास और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इतना तो छोटा सा मास ही हो गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे है तो उसका स्क्वायर लिख दिए, और इसको इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ, तो इनर रेडियस से आउटर रेडियस तक वेरिएशन आ रहा है एक्स में, तो आर वन से आर टू तक इंटीग्रेट करना है इसको। इंटीग्रेट करके लिमिट जैसे ही पुट किया और लिमिट पुट करके जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करना है, तो आंसर आ जाता है आई इक्वल टू एम आर टू स्क्वायर प्लस आर वन स्क्वायर डिवाइड बाई टू। पूरा डेरिवेशन यहाँ एक साथ है, इसको आप देख सकते हैं एक बार। तो इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, तो पहले तो हम इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे और फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, है ना, तब परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालेंगे इसके अबाउट, ठीक है। तो पहले इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, तो इससे एक्स दूरी पे जाके और डी एक्स लेंथ का इतना स्ट्रिप मैंने कंसिडर किया, इतना एक्स दूरी पे जाके बराबर। तो इसका मास कितना होगा, इस पार्ट का मास कितना होगा, तो मास पर यूनिट एरिया होगा मास अपॉन इस रेक्टेंगल का एरिया होगा ए इंटू बी, क्योंकि देखिए एक साइड ए है और दूसरा साइड बी है, तो एम बाई ए इंटू बी हो गया, ये क्लियर हो गया इतना। अब मास पर यूनिट एरिया में इस स्ट्रिप का एरिया मल्टीप्लाई कीजिए, तो स्ट्रिप का एरिया है ये भी रेक्टेंगल जैसा है, तो लेंथ इसका है बी लेकिन इसका थिकनेस डी एक्स लिए हैं, तो बी इंटू डी एक्स लिख दिए हम यहाँ, ठीक है। तो बी से बी कट गया तो एम बाई ए डी एक्स आया, एम बाई ए डी एक्स। तो छोटा सा मास जो आया एम बाई ए और डी एक्स, इसको इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे माइनस ए बाई टू से ए बाई टू तक, क्योंकि ये एक्स जो है वो माइनस ए बाई टू से ए बाई टू प्लस ए बाई टू तक वैरी कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम अपॉन एम अपॉन ए बाहर रहा था पहले, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा एक्स क्यू बाई थ्री, और लिमिट रख देंगे माइनस ए बाई टू से प्लस ए बाई टू तक, ठीक है। फिर थ्री भी बाहर आ जाएगा तो एम बाई थ्री ए बाहर आया, और एक्स क्यू मतलब ए बाई टू का क्यू करेंगे तो ए क्यू बाई टू का क्यू एट होता है, और माइनस और फिर से माइनस लोअर लिमिट पुट करना है तो ये प्लस बना देगा, और ये भी आ जाएगा ए क्यू बाई एट। अब ए क्यू बाई एट और ए क्यू बाई एट मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो टू ए क्यू बाई एट, टू बाई एट कट के वन बाई फोर आ जाएगा, तो एम ए क्यू बाई टू बाई एट मतलब वन बाई फोर, यानी फोर हो गया यहाँ, और यहाँ थ्री ए था, तो अब देखिए ये ए से और ये एक ए कट गया तो दो ए बचेगा तीन ए में से, और नीचे फोर इंटू थ्री ट्वेल्व हो गया, तो एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व आ गया, क्या बात है, एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व देखिए आ गया ये इस एक्सिस के अबाउट, यानी ऐसा लग रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते समय आप क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आके मिल गया है आपस में, ये रॉड एक बन गया है, पूरा जो प्लेट था रेक्टेंगुलर प्लेट वो रॉड बन गया है ए लेंथ का, तभी तो रॉड का ही तो ये आता है फॉर्मूला एम ए स्क्वायर बाई ट्वेल्व, है कि नहीं। वैसे ही जब एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, एक्स और एक्स डैश एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे इधर वाला यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट चल कर आया और आपस में मिल गया, तो मिल गया तो ये रॉड एक बन गया प्लेट, कितने लेंथ का रॉड बना, तो बी लेंथ का, तो एक्स एक्स डैश के अबाउट एम बी स्क्वायर बाई ट्वेल्व आ जाएगा। तो
वाई वाई डैश के अबाउट आया एम ए स्क्वायर बाई 12 और एक्स एक्स डैश के अबाउट आया एम बी स्क्वायर बाई 12। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो ये इस एक्सिस के अबाउट जो प्लेन के परपेंडिकुलर है आ जाएगा एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्टर। ये सर्कुलर प्लेट का एक सेक्टर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मन है भाई। ठीक है, तो आप एक्सिस ये लिए है ना, तो एक्सिस से यहाँ से आप एक्स या आर दूरी पे जाके और ऐसे डी आर थिकनेस का स्ट्रिप ले लीजिए आप, ठीक है, मोटाई का। अब इसका मास निकालते हैं, छोटा सा मास। तो पहले तो हम मास डेंसिटी निकाल ले रहे हैं, तो मास पर यूनिट एरिया, किसका एरिया, इस सेक्टर का एरिया भाई, पूरा इसका एरिया निकालना है पहले। मास पर यूनिट एरिया निकल जाएगा, फिर उसमें हम इसका स्ट्रिप का एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटा मास निकल जाएगा। तो मास पर यूनिट एरिया मास मैंने लिख दिया ऊपर, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे इसका, तो देखिए अगर वो टू पाई पूरा रहता है एंगल तब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बराबर। अगर पूरा का पूरा डिस्क होता, प्लेट होता तो सर्कल पूरा कंप्लीट ऐसे रहता सर्कुलर प्लेट, तो यानी टू पाई एंगल सेंटर पे बनाता, तो टू पाई एंगल बनाने पे पाई आर स्क्वायर, तो एक डिग्री एंगल बनाने पे पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई, पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई। तो थीटा डिग्री एंगल बनाने पे कितना एरिया आएगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई गुना थीटा ऐसे। तो पाई आर स्क्वायर देखिए पाई आर स्क्वायर बाई टू पाई इंटू थीटा ऊपर, ये क्या हो जाएगा, एरिया हो गया, पूरा इसका एरिया हो गया, ठीक है, सेक्टर का। और मास ऊपर लिखा हुआ है तो मास और नीचे ये है, तो मास पर यूनिट एरिया मिल गया। सिंप्लीफाई किए तो ये आया 2m डिवाइड बाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये पूरा मास डेंसिटी हो गया सिग्मा, एरिया मास पर यूनिट एरिया का वैल्यू। अब dm मतलब इस ग्रीन वाले का मास कितना होगा, तो जो सिग्मा आया है यानी मास डेंसिटी उसमें ग्रीन वाले का एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रीन वाले का एरिया कितना होगा, तो आर्क लेंथ, आर्क लेंथ होता है कितना, तो आर्क लेंथ होता है रेडियस इंटू थीटा के बराबर। आर्क लेंथ का फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल बाई आर, सो एल इक्वल टू आर थीटा, तो इसका लेंथ हो गया आर थीटा। तो यहाँ पे आर और ये थीटा लिखा हुआ है, आर थीटा लेंथ हो गया। अब इसका थिकनेस कितना है डी आर, तो ये डी आर यहाँ पे लिखा हुआ है, डी आर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यानी इसका ये एक रेक्टेंगल जैसा सीधा कर दीजिएगा तो आएगा, जिसका आर्क लेंथ आएगा आर थीटा जो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुआ, और इसका ये चौड़ा कितना हुआ रेक्टेंगल, तो डी आर के बराबर। तो ये डी आर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर है, ठीक है। तो आर थीटा हो गया इसका लेंथ और डी आर हो गया थिकनेस, तो चौड़ाई, तो ये दोनों मिलाकर हो गया ग्रीन वाले स्ट्रिप का एरिया, और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो छोटू सा मास का मिल गया मुझे, छोटू सा मास इतना आया। फिर ये छोटू सा मास लिखना है, और इस छोटे से मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी क्या है आर, तो उस दूरी का स्क्वायर कर देना है आर स्क्वायर, क्योंकि डी एम आर स्क्वायर होता है, और इसका इंटीग्रेशन जीरो से आर कर दिया मैंने। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करने पे जो कैंसिल हुआ था, कैंसिल करने से एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया, इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम थीटा आया। पूरे प्लेट का भी एम आर स्क्वायर बाई टू आया था, और उस सेक्टर का भी एम आर स्क्वायर बाई टू ही आया। आधा भी रहता प्लेट, आधा भी प्लेट ऐसे रहता तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आता है एम आर स्क्वायर बाई टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूरे डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो उस डिस्क से आप सिमेट्रिकली इसको कट करके निकाल भी दिए, ये इतना कट करके 90 डिग्री वाला बाहर कर दीजिए इससे, या इसका थोड़ा ही सा पार्ट इतना कट करके बाहर कीजिए, सभी केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो रिमेनिंग मास बचेगा, एम आर स्क्वायर बाई टू लिखना है लेकिन एम क्या लिखना है ध्यान रखिएगा, एम ही चेंज हो जाएगा, नया एम हो जाएगा। जैसे इसमें से हम इतना कट करके निकाल दिए, तो अब रिमेनिंग मास क्या हो जाएगा, टोटल मास अगर था एम तो रिमेनिंग मास हो जाएगा 3/4 m, राइट, ये ब्लू वाले मास को गायब कर देंगे तो 3/4 m आया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहा 3/4 m, ये मास हो गया, और आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू होता था ना पूरे डिस्क का, तो इतना कट करके निकाल भी दिए तो भी जो रिमेनिंग रहा उसका एम आर स्क्वायर बाई टू ही रहा, लेकिन मास ही अब चेंज हो गया 3/4 m हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज हो गया भाई, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर था, अब 3/4
एम आर स्क्वायर बाई टू आ गया। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू था, अब थ्री फोर फोर्थ एम आर स्क्वायर बाई टू हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बदल गया लेकिन रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि इसको इक्वल टू जब आप इधर लिखेगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन लिखने के लिए एम के स्क्वायर लिखते हैं, तो एम भी आपको थ्री बाई फोर एम लेना पड़ेगा अब, और उसका के स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये थ्री बाई फोर एम से थ्री बाई फोर एम कट गया, तो वापस देखिए आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू के स्क्वायर, यानी के इक्वल टू रूट नहीं के इक्वल टू आर बाई रूट टू आया, जबकि पूरा भी ये कम्प्लीट प्लेट था तो भी रेडियस ऑफ जायरेशन आर बाई रूट टू ही आया था। तो इससे ये पता चला कि किसी भी ऑब्जेक्ट से सिमेट्रिकली कट करके आप बाहर निकाल रहे हैं। सिमेट्रिकली मतलब इधर से भी कट और इधर से भी कट ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक साइड से भी कट ऐसे कट करके ऐसे बाहर निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है उसका रेडियस ऑफ जायरेशन वही आ रहा है जो ओरिजिनल कंप्लीट सिस्टम का या बॉडी का रेडियस ऑफ जायरेशन था। लेकिन जब एसिमेट्रिकली आप कट किए, एसिमेट्रिकली मतलब इस तरह से रैंडमली कट दी, इधर से ज़्यादा कट किए, इधर से कम कट किए, ऐसा कर दिए रैंडमली, तब रेडियस ऑफ जायरेशन चेंज हो जाएगा। तो हम डेल्टा आई यहाँ पे माने हैं जो कट करके निकाले हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, और मास रिमेनिंग मास कितना बचा है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, ये स्मॉल एम कट करके बाहर निकाल दिए एसिमेट्रिकली। तो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे का जब कट नहीं किए हैं उस वक्त का, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो कट आउट किए उस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम इस एक्सिस के अबाउट, इन दोनों का सम होगा राइट। ये रिमेनिंग वाले पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट और वो आई डैश मैंने माना है, और जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको डेल्टा आई मैंने माना है इसी एक्सिस के अबाउट, तो इन दोनों का सम करने से ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए राइट। तो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये डेल्टा आई यानी कटेड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब इधर सब्ट्रैक्ट होगा जाकर, तब आई डैश यानी ये रिमेनिंग वाले इतने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो ठीक है, आई डैश इतना आ गया, अब एम डैश भी तो ये रिमेनिंग पार्ट का मास भी तो चेंज हो गया, कैपिटल एम था उसमें से स्मॉल एम कट कर दिए, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम आ गया उसका मास। तो आई माइनस डेल्टा आई ये रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा, और रिमेनिंग पोर्शन का मास रहा एम माइनस स्मॉल एम, और रेडियस ऑफ जायरेशन के है तो के स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो उससे के का वैल्यू आया आई माइनस डेल्टा आई बाई एम माइनस स्मॉल एम का रूट। अगर ए सिमेट्रिकली कट किए तो इस तरह से आप रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे।